Name is MD Arshad. Today we are discussing about the colon symbol in Excel. आप किसी ऑफिस में हैं या चाहे किसी दुकान में हैं तो अक्सर जो है ना इस colon symbol का यूज़ किया जाता है. तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप आसानी से कैसे यूज़ करेंगे. इस तरह से shift दबा के बार बार आपको यूज़ करना नहीं है. इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से नहीं करना है. इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं. अगर यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं, इस तरह से आप इसको जो इस तरह से लगाते हैं तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है. तो हम क्या करेंगे, टोटल इस तरह से सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल के साथ वन प्रेस करेंगे. तो ये इस तरह से हमारे सामने एक फॉर्मेट सेल ओपन होगा. आपको फिर कस्टम में आना है और यहाँ से ये जर्नल को डिलीट करना है और यहाँ पे शिफ्ट दबा के ऐड द रेट का निशान लगाना है. उसके बाद से शिफ्ट दबा के आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है. फिर यहाँ पे एक स्पेस देना है और शिफ्ट दबा के कलोन का सिंबल लगाना है. फिर यहाँ से आप ओके कर देंगे तो ये बिल्कुल इक्वल लगेगा सब में. अब यहाँ पे हमें जेंडर के साथ और भी कुछ चाहिए तो वो क्या करेंगे हम, जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर चाहिए हमें तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे. मोबाइल नंबर और एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट लगता चला जाएगा. एड्रेस चाहिए तो एड्रेस यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक कलोन सिंबल लगता चला जाएगा. तो ये बिल्कुल आसान था इस तरह से ये सिंबल का निशान लगाना. तो बने रहे हमारे साथ लकब एकेडमी के साथ. अगर कोई भी क्वेरी है, हमसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं. हमें आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.